दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 10 फूड के बारे में जिसको खाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस फूड के अंदर एक किस्म का कार्सिनोजेनिक केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर जैसे घातक बीमारी को जन्म देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोडा। दोस्तों सोडा में सिर्फ हद से ज़्यादा शुगर ही नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें एक किस्म का कैरामेल कलर यूज किया जाता है, और इस कलर की वजह से इसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल 4-MeI पाए जाते हैं जो कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 2, ग्रिल रेड मीट। दोस्तों ऐसे तो ग्रिल रेड मीट खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है हाई टेम्परेचर में ग्रिल करने के वजह से इसमें कैंसर कॉजिंग हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, जिसके वजह से हमारे सेहत के लिए बेहद ही अनहेल्दी होते हैं और कैंसर जैसे बीमारी को बढ़ावा देता है। नंबर 3, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। ऐसे तो पॉपकॉर्न खाने बेहद ही अच्छे लगते हैं, लेकिन पॉपकॉर्न को जब बटर के साथ मिलाकर माइक्रोवेव में बनाया जाता है तब हाई टेम्परेचर में इससे एक किस्म का केमिकल रिलीज होते हैं जिसे डाई एसिटाइल कहते हैं। ये हमारे सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। नंबर 4, कैन फूड स्पेशली टोमाटो सॉस। दोस्तों कोई भी कैन फूड हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते इसमें मौजूद BPA के वजह से, क्योंकि ये हार्मोन डिसरप्टर के रूप में काम करते हैं, और स्पेशली टोमाटो जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसको जब पैक किया जाता है बहुत सारे नमक और केमिकल के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सके, और टमाटर में मौजूद एसिड BPA के साथ मिलाकर एक किस्म का खतरनाक टॉक्सिन पैदा करता है जिसके कारण शरीर में कैंसर जैसे जर्म को जन्म दे सकती है। नंबर 5, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। दोस्तों वेजिटेबल ऑयल को नेचुरल तरीके से निकालने के बजाय काफ़ी सारा केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिससे इसका रंग और रूप दोनों खिले। इससे क्या होता है, इसमें ओमेगा 6 फैट जन्म लेता है जो हमारे सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है और कैंसर जैसे घातक बीमारी को भी जन्म दे सकता है। नंबर 6, फार्म सालमन फिश। ऐसे तो समुद्र में मिलने वाला सालमन फिश हमारे सेहत के लिए बेहद अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट को मजबूत बनाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है इसकी भाव को देखते हुए आजकल कई आदमी सालमन फिश के फार्मिंग करते हैं जिसमें काफ़ी सारा पेस्टिसाइड केमिकल और एंटीबायोटिक यूज करते हैं। इसी कारण सालमन फिश और भी घातक हो जाते हैं हमारे सेहत के लिए। नंबर 7, रिफाइंड वाइट फ्लोर। दोस्तों साधारण फ्लोर को जब रिफाइन करने के लिए केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो इससे काफ़ी सारा न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाता है, और इसको सफ़ेद रंग देने के लिए क्लोरीन के साथ ब्लीच किया जाता है जिसके कारण ये बहुत खतरनाक होता है हमारे सेहत के लिए। इसी कारण वाइट फ्लोर खाने से पहले ज़रूर एक बार सोच लेना चाहिए। नंबर 8, प्रोसेस मीट। आजकल अगर आप बाज़ार जाते हैं तो कई सारा प्रोसेस मीट आपको देखने को मिलेगी, जैसे हॉट डॉग, डेली मीट, सॉसेज। ये सब मीट को प्रोसेस के दौरान काफ़ी सारा नमक और ख़तरनाक केमिकल जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट मिक्स किया जाता है जिससे ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके। दोस्तों ये सब मीट अगर आप खाते हैं तो हमारे शरीर में ख़तरनाक कार्सिनोजेनिक केमिकल रिलीज होते हैं, इसी कारण ये सब फूड से हम लोग को बिल्कुल बचना चाहिए। नंबर 9, अल्कोहल। दोस्तों नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के एक अनुसंधान में पाया गया है कि अल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर में लीवर, बैक, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अल्कोहल का सेवन ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ना करें। नंबर 10, फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई का नाम सुनकर हमारे जीभ में पानी आ जाते हैं, लेकिन इसको खाने से पहले ज़रूर 2 बार सोचें, क्योंकि फ्रेंच फ्राई को जब हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है तब इससे एक धरण का केमिकल रिलीज होते हैं जिसका नाम है एक्रिलामाइड, जो कैंसर जैसे घातक बीमारी को जन्म दे सकता है। इसीलिए दोस्तों ये सब फूड को अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल ना शामिल करें, और ध्यान रखें घर के बच्चे ये सब फूड के प्रति एडिक्टेड ना हो, क्योंकि ये सब एडिक्टेड फूड है। अगर आप एक बार खा लेते हैं तो आपको बार बार खाने को मन करेगी, लेकिन ये सब खाने से बिल्कुल बचे और दूसरों को भी खाने ना दे। जितना हो सके ये सब फूड से अगर दूर रहेंगे तो सेहतमंद रह पाएंगे। ये सिर्फ कैंसर को ही जन्म नहीं देती,
और भी सारी क्रोनिक डिजीज है, जैसे मोटापा, डायबिटीज़, हाई प्रेशर, ये सब घातक बीमारी आपको घेरने लगेगी। तो आपके डाइट अगर अच्छे होंगे तो आपके सेहत भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।